डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने इंटर कन्वर्जन वाली सीरीज में कुछ और इंटर कन्वर्जन देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने कुछ इंटर कन्वर्जन सिखाए थे कि वन रिप्रेजेंटेशन को आप दूसरी रिप्रेजेंटेशन को में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी में आगे है ये कि सॉ हॉर्स टू वेज अगर हमें करना है, कि सॉ हॉर्स फॉर्मूला को फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कैसे चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो देखिए, सॉ हॉर्स में क्या होता है, सॉ हॉर्स जैसा कि आप लोगों को बताइए कि हम इसको वाई की शेप में बनाते हैं, चाहे तो दोनों सीधे वाई हों, चाहे दोनों उल्टे वाई हों, एक सीधा एक उल्टा वाई हो, यानी एक्लिप्स फॉर्म हो सकती है और स्टैगर्ड फॉर्म हो सकती है। अच्छा, अब इसमें देखना क्या है, वाई को हम कैसे देखते हैं। जैसे ये सपोज मैंने एक वाई बनाया, अगर सीधा वाई है तो जो ये वाला ग्रुप होगा, यानी यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमारा जो हम इसको जब फ्लाइंग वेज में बनाएंगे, ये बिलो द प्लेन बनाएंगे, यानी कि जो ये बैक साइड बॉन्ड जा रहा है, ये बैक साइड बॉन्ड है और ये फ्रंट साइड बॉन्ड है, मतलब मानने के लिए हम कह सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ अपने। तो और जो इससे ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इसको हम एबव द प्लेन बनाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें पीछे वाली साइड बॉन्ड जाता हुआ उसको हम बिलो द प्लेन बनाएंगे, आगे की साइड आता हुआ बॉन्ड उसको हम एबव द प्लेन बनाएंगे। ऐसे ही अगर उल्टा वाई बना हुआ होगा यहाँ पर सॉ हॉर्स में, तो इसमें भी हमें यही करना है, जो पीछे की साइड बॉन्ड बना हुआ है इसको हम बिलो द प्लेन बनाएंगे और जो आगे की साइड बॉन्ड बना हुआ है उसको हम अबव द प्लेन बनाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें ये आगे वाला बॉन्ड है, ये पीछे वाला, इसमें ये आगे वाला और ये पीछे वाला, आगे वाले को अबव द प्लेन और पीछे वाले को बिलो द प्लेन। तो अब देखिए, जैसे ये सीधा वाई, तो इसमें जो बी आर जुड़ा हुआ है वो राइट हैंड साइड पर आना है, राइट हैंड साइड पर जो आ रहा है वो आगे की साइड है, यानी उसे हमें अबव द प्लेन बनाना है। तो हमने इसको ये अबव द प्लेन बना दिया। ये एच जो है पीछे की साइड जा रहा है, यानी ये बिलो द प्लेन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसको हमें बिलो द प्लेन बनाना है और राइट हैंड साइड पर अबव द प्लेन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो फिर ये एच पीछे की साइड है इसलिए हमने इसको बिलो द प्लेन बनाया। ऐसे ही यहाँ पर ये पीछे की साइड है बी आर, तो हमने इसे बिलो द प्लेन बनाया। ये आगे की साइड है तो हमने इसे अबव द प्लेन बनाया। और बाकी ये दोनों तो सिंपल प्लेन में ही बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉ हॉर्स को वेज में बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बनाने के लिए हम इसको इसी फॉर्मूला को या इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रखा है, जैसा वाई ऐसा वैसा ही वाई यहाँ बना रखा था, बस वाई वैसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन चेंज किया है, इसमें अबव द प्लेन ग्रुप को हमने इधर दिखा दिया और बिलो द प्लेन को इधर दिखाते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे तो आप अब बस हमें ध्यान रखना है कि हमें बी आर अबव द प्लेन दिखाना है, तो चाहे तो आप इधर की साइड उसको बना दीजिए और चाहे आप इधर की साइड, ये दोनों एक ही बात होती है। ऐसे ही हमने डी को यहाँ पर, ये अबव द प्लेन था, बस हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बस उसे अबव द प्लेन दिखाना है, चाहे आप उसे इधर की यहाँ पर, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड बनाओ चाहे राइट हैंड साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है उसे आपने अबव द प्लेन बनाना है, या जो इधर की साइड वाला बॉन्ड आएगा उसे आपने अबव द प्लेन। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला सेम है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या कर, अब आप यहाँ देखें, जो इससे ये इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, अब ये कैसे बना होगा बस हमें वो देखना है। तो देखिए, इसमें ये ओ एच पीछे की साइड जा रहा है, यानी कि ये बिलो द प्लेन है, या ये लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए ये बिलो द प्लेन है। तो ये तो हम यहाँ पर बिलो द प्लेन ही बन रखा है, और एच जो है उसे अबव द प्लेन बनाना है क्योंकि वो इधर है राइट हैंड साइड पर है, तो हम इसे अबव द प्लेन ही, और एम ही हमारा प्लेन में ही बन रखा है। नेक्स्ट बॉन्ड में अगर हम देखें, ई टी यहाँ पर नीचे की साइड है जबकि ई टी इसमें ऊपर की साइड बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो कार्बन है सेकेंड वाला कार्बन, ई टी इसमें ऊपर कब गया होगा, और जब या तो 180 डिग्री रोटेशन करा देंगे हम इसका तभी जाएगा ईटी। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम इस वाले इसको अगर हमें सीधे वाई को अगर हमें उल्टे वाई में चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर से भी मालूम पड़ रहा है कि ये एक उल्टा वाई बना हुआ है, तो अगर सीधे वाई को उल्टे वाई में चेंज करना हो तो या तो 60 डिग्री रोटेशन कराते हैं हम इस कार्बन की, या फिर हम 180 डिग्री कराते हैं। अब क्योंकि ईटी नीचे था वो ठीक ऊपर गया, यानी अपने ऑपोजिट साइड गया है, तो जब भी कभी इस तरीके से होगा तो इसका मतलब वहाँ 180 डिग्री रोटेशन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कराया। 180 डिग्री कभी भी रोटेट कराना हो, मैंने आपको बताया था, जो भी बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन बॉन्ड्स को बस आगे की साइड डॉटेड लाइन से हम बना देते हैं ये। तो जो ये ग्रुप होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, जो ग्रुप यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो ग्रुप यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यही हमने इसमें कर रखा है। तो ये डी था,
यहाँ बी आर था और ये ई टी। तो जब ये ग्रुप यहाँ पहुँचा तो ये ई टी यहाँ हो गया, बी आर यहाँ चला गया और डी यहाँ चला गया। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। तो ये ई टी ये रहा और बी आर ये, इस तरह से बिल्कुल वही सेम हमने यहाँ बना दिया। और बस इसका फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, ई टी को हमने ऊपर ही बनाया। अब क्योंकि ये पीछे की साइड है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर बना हुआ है, तो ये बिलो द प्लेन जाएगा, तो ये हमने बिलो द प्लेन बना दिया। और ये आगे की साइड है इसलिए इसे अबव द प्लेन बना दिया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि जो भी, बस आपने सिर्फ इसमें या इसमें ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं उनको अबव द प्लेन और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं उनको बिलो द प्लेन, या जो पीछे की साइड बॉन्ड है उसको बिलो द प्लेन, जो आगे की साइड बॉन्ड है उन्हें अबव द प्लेन बनाना है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है वेज टू सॉ हॉर्स। तो वेज टू सॉ हॉर्स भी बहुत इजी है। वेज टू सॉ हॉर्स में जैसा आपको दिख रहा है आपको बनाना, तो वैसा ही ये बॉन्ड तो नीचे सी ओ एच प्लेन में दिखाना ही हमें, ये पीछे की साइड है। अब हमें पीछे की साइड हमें क्या दिखाना था, वाई में ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो होता है वो पीछे की साइड होता है, तो हमने इसे पीछे की साइड बी आर बना दिया। ये अबव द प्लेन है यानी ये आगे की साइड बना हुआ होगा, यानी इधर राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर एच बना दिया। ऐसे ये पीछे की साइड एच बना हुआ है तो हमने पीछे की साइड एच बनाया। ये ओ एच अबव द प्लेन है तो हमने इसे आगे की साइड बनाया। अच्छा, अगर यहाँ पर इस तरह से बना हुआ होता कि ये बी आर जो है हमने ये ऐसे लिखा होता और जो ये एच है वो कुछ इस तरह से लिखा होता, तभी भी स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही बनाना था। तो ज़रूरी नहीं जैसा वाई आपको दिख रहा है वैसा ही वाई आप यहाँ पर बनाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि पीछे कौन सा ग्रुप है और आगे कौन सा ग्रुप है। इसमें भी बिलो द प्लेन जो है वो बी आर है, तो बिलो द प्लेन बी आर है तो उसे हमें यहाँ पर पीछे की साइड ही बनाना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर बनाना होगा। तो चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से आए, आपको बनाना ऐसे ही है। अच्छा, अब वेज टू न्यूमैन। वेज टू न्यूमैन भी बहुत ईजी, जैसे वेज टू सॉ हॉर्स किया ऐसे हम वेज टू न्यूमैन कर सकते हैं। वेज टू न्यूमैन में ये पहला वाला कार्बन हमारा फ्रंट कार्बन माना जाएगा और ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन से अगर आप देखें, यानी इस डॉट से एक एम ई ऊपर को जा रहा है तो हमने ऊपर बना दिया। अच्छा, ये ओ एच बिलो द प्लेन है, इसका मतलब हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है वाई की। तो ये वाई की लेफ्ट हैंड साइड है, हमने यहाँ ओ एच बना दिया। ये एच अबव द प्लेन है तो इसे राइट हैंड साइड पर बनाना है, हमने राइट हैंड साइड बनाया। पीछे वाला वाई भी उल्टा ही बना हुआ है, यानी ऊपर की साइड ई टी है, तो पीछा वाला कार्बन हमारा ये हो गया जो राउंड सर्कल है। और इसके ठीक हमने पीछे, क्योंकि स्टैगर्ड सॉरी एक्लिप्स्ड फॉर्म है, दोनों ही बाई उल्टे बना रखे तो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो ठीक इसके एम ई के ठीक पीछे ये ई टी होगा, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ओ एच अबव द प्लेन है इसलिए हमें इसे राइट हैंड साइड बनाना पड़ेगा, तो ये राइट हैंड साइड बनाया। और ये बिलो द प्लेन है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर एच आया। और ऐसे ही आप न्यूमैन से वेज भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं दिखाया। न्यूमैन से वेज भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट है वेज टू फिशर। वेज टू फिशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, फिशर टू वेज हो या वेज टू फिशर हो, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शन है कई बार हमें ये बनाने को आ जाता है। मतलब इस तरह से स्पेशली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिएक्शंस के बीच में हमें कई बार बनाना पड़ जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये एक जिसमें हमारे पास ऐसा हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला लिया जिसमें हमारे पास दो कार्बन है। फिशर प्रोजेक्शन भी फिर हमें दो कार्बन वाला ही बनाना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, तो इसमें पहला तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को पहले सॉ हॉर्स में चेंज कर लिया। अब फ्लाइंग वेज को सॉ हॉर्स में चेंज करेंगे तो देखिए ये जो वाई बन रखा है ये एक नीचे और ये सीधा वाई बना हुआ है, और दूसरे वाले कार्बन पर ये उल्टा वाई बना हुआ है। तो पहले तो हमें ये मालूम पड़ गया कि एक सीधा वाई है और एक उल्टा वाई है। अब सीधे वाई में नीचे की साइड जो प्लेन में बना रखा है वो तो सी एस थ्री है, वो हमने यहाँ बना दिया। ये वाला ग्रुप हमारा अबव द प्लेन है, और अबव द प्लेन ग्रुप को हम हमेशा वाई पर राइट हैंड साइड बनाते हैं, तो हमने उसे राइट हैंड साइड बनाया। अब तो ऐसा नहीं करना, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे कि इसको सीधा वाई तो बनाया, ये सी एस थ्री लिखा, सी आर इधर बना हुआ है तो सी आर इधर और एच इधर लिख दिया। नहीं, ये गलत है, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपने देखना है कि ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। अबव द प्लेन है तो वाई पर वो राइट हैंड साइड पर बनेगा, यानी इधर की साइड बनेगा, तो ये हमने राइट हैंड साइड पर बनाया। और ये बिलो द प्लेन है वो पीछे की साइड जाएगा, तो ये हमने पीछे की साइड बनाया। फिर सी एस थ्री को हमने सीधा ऊपर की साइड बना दिया, और यहाँ पर ओ एच अबव द प्लेन है इसलिए ओ एच जो है वो राइट हैंड साइड पर जाएगा, और बी आर बिलो द प्लेन है इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि सॉ हॉर्स से हमें जब भी कभी फिशर बनाना होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वहां जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। जब भी हमें कभी सॉ हॉर्स को फिशर में चेंज करना होता है तो हम हमेशा ये सॉ हॉर्स में दोनों वाई सीधे होने चाहिए,
ठीक है, तो ये वाई तो सीधा है, अब हमें इस वाई को सीधा करना है। इस वाई को सीधा करने का तरीका, नॉर्मली हम 180 डिग्री रोटेशन करा देते हैं, तो हमने 180 कराएंगे तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा, अपने ऑपोजिट साइड पर जाएंगे, तो जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो नीचे आएगा, तो ऊपर सी एस थ्री था तो नीचे यहाँ पर सी एस थ्री हुआ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बी आर था तो अब वो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, तो वो राइट हैंड साइड पर यहाँ हमने दिखा दिया, ये राइट हैंड साइड पर था ओ एच तो अब वो लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा दिया, दोनों वाई हमारे सीधे हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये पहला कार्बन है ये हमेशा हम नीचे वाला कार्बन मानते हैं, ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू है तो नंबर टू ऊपर वाला कार्बन, नंबर वन से जो ग्रुप नीचे है तो आपने उसको नीचे जोड़ दिया सी एस थ्री, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एच है तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पर आपने एच लिख दिया, राइट हैंड साइड पर सी एल है तो आपने राइट हैंड साइड पर सी एल लिखा। फिर इस वाले कार्बन पर पहुंचे, जो यहाँ नीचे दिखा रखा है इसको हम हमेशा ऊपर की साइड बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया है ओ एच तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया ओ एच, ये राइट हैंड साइड पर बी आर है तो राइट हैंड साइड पर बी आर बनाते, तो इस तरह से हम इस वाले वेज को फिशर में चेंज कर सकते हैं थ्रू सॉ हॉर्स। तो ये तो हो गया एक तरीका, पर ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, तो आप इसको नॉर्मल, एक ट्रिक भी है मैं इसकी आपको बताऊंगी बाद में, पर पहले आप देख लीजिए कि हम नॉर्मल कैसे बना सकते हैं। एक तो एक तरीका तो ये हुआ अगर हमारे पास दो कार्बन है तो। अच्छा, अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन में क्या करना पड़ेगा, अब सिंगल कार्बन में सौ हॉर्स तो नहीं बन सकता है, तो सिंगल कार्बन में जैसे आप इसको, आपकी बस इमेजिनेशन यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए तब आप इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको ये तो पता ही है कि फ्लाइंग वेज, सॉरी जो ये, हाँ फ्लाइंग वेज जो फॉर्मूला होता है इसमें दो तो ये हमारे प्लेन में बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होता है और दूसरा बिलो द प्लेन होता है, तो जो प्लेन में बॉन्ड होते हैं वो आपस में एक वी बनाते हैं, वी शेप, मतलब ये इस तरीके से, तो ये वी शेप बन रखी है, और जो वेज डैश होते हैं वो भी आपस में एक वी बनाते हैं, ठीक है, तो आपने ये इस तरह से बना लिया, और आपको इस मॉलिक्यूल को अब विजुअलाइज करना है यानी कि देखना है, और हम कभी भी इस फॉर्मूला को जब देखेंगे तो हम हमेशा वेज डैश की साइड से देखेंगे, तो अगर फॉर्मूला इस तरह से दे रखा है तो आपने हमेशा इसे इधर की साइड से देखना है यानी वेज डैश साइड से देखना है। अगर यही फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख दूं तो आपको अब इस मॉलिक्यूल को यहां से देखना है, तो यानी जिधर की साइड भी वेज डैश बना हुआ होगा आपको उस साइड से उस मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करना है यानी कि आपको उसको देखना है। अब आपने सपोज यहां से देखा, जब आप देखेंगे तो जो प्लेन में बॉन्ड होते हैं वो हमेशा इस वर्टिकल लाइन पर आते हैं, एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो आप बना ही लेंगे कि जो वर्टिकल लाइन पर है, जो ऊपर सी एस थ्री है तो आपने ऊपर सी एस थ्री लिखा, नीचे सी ओ एच है तो नीचे आपने सी ओ एच, तो वो तो वर्टिकल लाइन पर आने हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर वैसे भी हमें सारे कार्बन बनाने ही होते हैं तो उस हिसाब से भी आएंगे, लेकिन अगर कार्बन ना भी लिखे हुए होते तो भी आपको जो ये प्लेन, जो आपका प्लेन वी बन रहा है यानी इसको हम प्लानर वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेन में है ये दोनों बॉन्ड्स तो हमने इसको मान लिया कि ये एक प्लानर वी है और ये एक वेज डैश वी है, तो जो प्लानर वी होगा उसको आपने हमेशा एक वर्टिकल लाइन पर बना के सी एस थ्री और सी ओ एच लिख दिया। अब यहां से अगर आप मॉलिक्यूल को देखना है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये ओ एच या एच इनकी पोजिशन यहां पर राइट होगी या लेफ्ट होगी, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हैं तो यहां से देखने का मतलब है कि जो ये ओ एच है, ये ओ एच एक्चुअली क्या है, ये अबव द प्लेन आ रहा है यानी ऊपर की साइड आ रहा है, इस कागज से ये ऊपर की साइड है, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में ही बने हुए हैं, ये ओ एच ऊपर की साइड आ रहा है और ये एच इस पेपर के प्लेन से नीचे की साइड दिख रहा है। देखिए जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, देखिए हम इस मॉलिक्यूल को आप कैसे देख रहे हैं, यहां पर ये जो बॉन्ड है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे हम जो दो बॉन्ड्स प्लेन में मान रहे हैं वो ये वाले हैं, देख रहे हैं, इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये प्लेन में हो चुके हैं, ये वाला बॉन्ड रेड बॉल वाला और ग्रीन वाला बॉन्ड, ये तो पेपर के प्लेन में, क्योंकि ये पेपर के प्लेन में ही बन रहे हैं, ठीक है। अब इस कार्बन से मैं अगर आपको इस तरह से दिखाऊं, ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, तो ये तो क्योंकि पेपर के प्लेन में ही बन रहे हैं और आप देख रहे हैं ये ब्लू बॉल आपकी तरफ आपको आती हुई दिखाई देगी यानी पेपर के प्लेन से ऊपर उठी हुई है, और जो ये पर्पल बॉल है ये पेपर के प्लेन से नीचे की साइड है, ठीक है, तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। तो अब हम इसको, मॉलिक्यूल को ऐसे ही अपने सामने रख ले रहे हैं। अच्छा, अब हमें इसे देखना है, देखना हमें कैसे है, इसको देखना हमें होता है इन दोनों वेज और डैश जो है ये हमारे उसके बीच में से देखना है हमें, और देखना कैसे है, हम इस तरीके से, सपोज अगर ये हम है,
ये ऐसे बना हुआ है, ये है हम, कैसे हैं हम, ये हमारा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये रेड वाला हमारा हेड हो गया और ब्लैक हमारे लेग्स हो गए, और हम ऐसे देख रहे हैं इसको, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से इन दोनों बॉल्स के बीच में हमारा हेड है, आप ऐसे सोच लीजिए। तो अब हम मॉलिक्यूल को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो जब हम मॉलिक्यूल को ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो अब हम किसी भी मॉलिक्यूल को लेट के तो देखेंगे नहीं, हम तो खड़े होकर ही देखेंगे उसे, ये तो लेटी हुई पोजीशन हो गई, हेड हमारा ऊपर है और लेग हमारे नीचे है, तो हम अपने आप को खड़ा करेंगे, तो जब हम अपने आप को खड़ा करेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा इस तरह से तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में अपना हेड रखना है, तो इन दोनों के बीच में हेड रखने के लिए हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे, बस हमें टिल्ट वे में देखना है, तो जब हम इसे टिल्ट वे में देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो अबव द प्लेन था ये अब किधर की साइड चला गया, ये इधर आ गया, यानी अगर हम यहां खड़े हुए हैं जैसे ये हम, तो ये जो अबव द प्लेन ग्रुप है हमारा, ये हमारे किस साइड दिखाई देगा हमें, ये हमें राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है, तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो ये राइट हैंड हो जाएगा और जो ये पर्पल है ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, बस आप इस तरह से इमेजिन कीजिए। तो आपको हमेशा मॉलिक्यूल को ऐसे विजुअलाइज करना है कि ये एक तो वेज डैश की तरफ से विजुलाइज करना है, और ये इस तरह से ऊपर हल्का सा, मतलब ये इस तरह से था, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये था, ये अबव द प्लेन था, लेकिन आपको थोड़ा सा टिल्ट करके देखना है और इस तरह से देखना है आपने। अब मैं आपको इसी बात को पेपर पे समझा रही हूँ कि हम कैसे देखेंगे। तो अब आप सपोज यहां पर खड़े हुए हैं, तो जब भी ये ओ एच यानी अबव द प्लेन जो ग्रुप है वो आपको इस तरह से, जैसे मैंने पेन की डायरेक्शन रखी हुई है, इस तरह से इमेजिन करना है, यानी ये वाला, ये पूरा बॉन्ड बना हुआ है और यहां पर ओ एच आ रहा है, इस तरह से इमेजिन करना है हर ग्रुप को, हर उस ग्रुप को जो अबव द प्लेन आ रहा हो। तो अगर आप, मैंने ये जैसे पेन रखा हुआ है इस तरीके से, तो अब आप यहां से विजुअलाइज कर रहे हैं, जब आप यहां खड़े हुए हैं, तो जब आप यहां खड़े हुए हैं तो आपका, अब आप बताइए राइट हैंड किधर की साइड जाएगा, ये जो ओ एच है इधर की साइड तो आपका राइट हैंड जाएगा और इधर की साइड आपका लेफ्ट हैंड जाएगा, तो यहां पर राइट हैंड पर ओ एच बना हुआ है और लेफ्ट हैंड पर एच बना हुआ है, तो इसीलिए हमने राइट हैंड पर ओ एच बनाया और लेफ्ट हैंड पर एच बनाया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखूं, मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें जो ये प्लानर वी था ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर बना दिया और वेज डैश जो है अब ये राइट हैंड साइड पर बना हुआ है। तो अब हमें मॉलिक्यूल को जो विजुलाइज करना है वो हम यहां से देखेंगे, और इस अबव द प्लेन ग्रुप की पोजिशन बिल्कुल वही रहेगी जैसे मेरा पेन रखा हुआ है। पेन कैसे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो यानी ये जो ओ एच है ये पूरा बॉन्ड है और यहां पर सपोज ये ओ एच लगा हुआ है, और अब आप मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हैं, तो जब आप मॉलिक्यूल को यहां से देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है आपके किस साइड आएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तब आप इस बात को समझ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर ट्रिक से ही काम चलेगा। तो बस आप जब यहां, आप अपने आप को सोचिए कि आप यहां खड़े हुए हैं, तो जब आप यहां खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो है इधर ही की साइड तो जाएगा, इसका मतलब जो अबव द प्लेन है वो अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है और जो बिलो द प्लेन है वो आपके राइट हैंड साइड पर है। तो बस आपने जब भी कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आए, आपने अपने पेन को बस वहां रख देना है, इसी जिस पोजिशन में आप लिखते हैं पेन से बस उसी पोजिशन में रख दीजिए, और जिधर भी ये वेज डैश बना हुआ है वहां पर अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप वहां खड़े हुए हैं, यहां पर भी आप इसको ऐसे ही इमेजिन करेंगे और यहां भी आप इसको ऐसे ही इमेजिन करेंगे, बस पेन की डायरेक्शन में आपको अबव द प्लेन याद रखना है, और देखना कहाँ से है, वेज डैश की तरफ से, फिर जिधर का जो ग्रुप जिधर साइड आएगा आपको उसी साइड लिखना है। तो अब मैंने यहाँ ऐसे रखा पेन अपना, तो सबसे पहले तो प्लानर वी जो प्लेन वाला वी है आपने उसको वर्टिकल लाइन पे लिखना है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्योंकि आप मॉलिक्यूल को यहाँ की इधर की साइड से देख रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ओ एच ग्रुप आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ओ एच लिखा और राइट हैंड साइड पर आपका बिलो द प्लेन आएगा, तो ये आपने एच इसको यहाँ पर लिखा। अब अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तब आपको फिर ट्रिक यूज करनी है, और वो ट्रिक क्या है, इस ट्रिक में ये बताया गया है कि जो ये प्लानर वी है, प्लानर वी आप समझ लीजिए किसको कह रही हूं मैं, प्लानर वी जहां पर दो प्लेन में बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ये एक वी बना हुआ है, या अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें इधर वी बना हुआ है। अब ये किधर की साइड बना हुआ है, देखिए इधर की साइड ये क्या चीज होती है, इधर है राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं यहां पर सपोज एक लाइन खींच दूं तो लाइन से ये राइट हैंड साइड पर है और ये इसी लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जब भी प्लानर वी राइट हैंड साइड पर होगा तो अबव द प्लेन ग्रुप हमेशा राइट हैंड साइड पर आपको लिखना है, अगर प्लानर वी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो अबव द प्लेन ग्रुप को आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है, बस यही इसकी ट्रिक है, तो यही सब मैंने इसमें लिखा हुआ भी है।
तो इस ट्रिक से अगर हम चलाएं अपना काम तो आगे अगर हम बढ़ें, जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था दो कार्बन का, तो अगर हम मान लीजिए आपके पास दो कार्बन है, तो दो कार्बन सपोज इस तरह से फॉर्मूला कैसे दे रखा है, जिगजैग मोशन में दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो प्लानर भी नीचे बना रखा है और यहाँ प्लानर भी ऊपर, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या क्या था कि प्लानर भी या तो राइट हैंड साइड होना चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को घुमा लेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से घुमाएंगे कि प्लानर वाला वी या तो राइट हैंड साइड पर जाए या लेफ्ट हैंड साइड पर जाए, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, चाहे तो आप इसे राइट हैंड साइड घुमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए, चाहे आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमा लिया कुछ इस तरीके से, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तो CHO जो है हमारा बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और ये जो OH है वो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो ग्रुप जैसे जुड़े हुए हैं वो आपको वैसे दिखाने हैं। यहाँ अबव द प्लेन CL है तो आपको अबव द प्लेन ही CL दिखाना है, बिलो द प्लेन H है तो बिलो द प्लेन H लिखा, यहाँ अबव द प्लेन BR है और यहाँ भी अबव द प्लेन BR ही लिखना है, यहाँ बिलो द प्लेन H है तो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन H था तो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन H ही लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो मॉल सपोज ये इस तरीके से था, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये अब इस तरीके से हो जाएगा, और जो आपको ये अबव और बिलो दिखाना है वो हमेशा यहाँ पर इस पोजीशन पर दिखाएंगे एक तो आप, क्योंकि यहाँ आपका CHO जुड़ा हुआ है, तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये CL या ये H, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये CL आपने ऐसे लिखा और ये H, एक ही बात है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अबव द प्लेन CL दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ दिखा दिया, अब सेकेंड कार्बन यानी ये वाला कार्बन जो नीचे वाला कार्बन है, इसको हम ऐसे और ये ऐसे दिखाएंगे, ये आप कभी मत कर दीजिएगा कि आपने ऐसे 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 बनाया और यहाँ पर ही कहीं बिलो द प्लेन और यहाँ अबव द प्लेन, जो भी ये टिप होती है मतलब जहां पर भी कार्बन, मैंने आपको बताया था इसमें टॉप कार्बन होता है, बिलो द कार्बन, बिलो कार्बन होता है, या अप कार्बन होता है और बिलो कार्बन होता है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, तो वहीं जाकर आपके बॉन्ड बनेंगे, जहां भी ये पॉइंट आ रहा है बस आपको वहां पर जाकर जहां ये दो बॉन्ड्स मिल रहे हैं वहीं पर आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखाना है। तो अगर ये इस तरह से तो ये आगे की साइड बनेगा, और अगर ये ऐसे तो ये इधर की साइड बनेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, जहां भी ये टिप जा रही है बस उस साइड आपको ये बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो आपने ये मॉलिक्यूल को पूरा घुमा लिया। अब यहां अगर मैं सिर्फ इस कार्बन की बात करूं तो ये प्लानर वी कैसा है, ये रहा बना हुआ हमारा, तो प्लानर वी किधर की साइड बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर बना हुआ है तो इसका मतलब जो अबव द प्लेन ग्रुप है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, सबसे पहला काम तो हमने क्या करा, जो भी ये क्योंकि दो कार्बन है तो हमने एक सिंपल लाइन खींची और उस पर ये दो कार्बन सपोज हमने सोच लिए कि ये है, ठीक है। अब टॉप पर आपने देखा CHO लिखा हुआ है तो हमने CHO लिख दिया, और यहाँ प्लेन में जो नीचे है वो OH लिख दिया। ये जो लाइन है बस इस लाइन का हमें ध्यान रखना है, इस लाइन पर CHO लिखा हुआ है और यहाँ नीचे वाली लाइन पर OH लिखा है, तो हमने CHO और OH लिख दिया। अब CHO से जो नेक्स्ट कार्बन है यानी जो ये वाला कार्बन है इस पे हमें पोजिशन को डिसाइड करना है। अब आप देख रहे हैं तो इसी पे हमें पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें देखना है कि हमारा प्लानर वी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है इसलिए जो अबव द प्लेन ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखना पड़ेगा, तो यानी CL जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो हमने CL को लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। और जब CL लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला H जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो हमने इसे राइट हैंड साइड लिखा। अब हम इस वाले कार्बन पर आए, इस वाले कार्बन पर अगर आप देखें तो ये प्लानर वी कहाँ बना हुआ है, ये राइट हैंड साइड पर बना हुआ है। ये राइट और लेफ्ट आप समझ सकते हैं कि बीच में आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, मतलब इमेजिन करनी है, ड्रॉ मत कर दीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा उसे कि यहां पर आपको लाइन, या रफ में कहीं ड्रॉ करके भी देख सकते हैं आप। तो क्योंकि ये प्लानर वी आपका राइट हैंड साइड है तो अब जो BR होगा यानी अबव द प्लेन जो ग्रुप होगा वो राइट हैंड साइड पर आएगा, यानी हमें ये राइट हैंड साइड पर लिख देना, और H हमारा चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस तरह से हम इससे ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको ऐसे घुमा लीजिए और चाहे आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये OH यहाँ चला जाएगा और CHO यहाँ आ जाएगा, और उसी हिसाब से इसकी पोजिशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो आपने सिर्फ ये ट्रिक अपनानी है कि बस प्लानर वी की पोजीशन को देखना है, अगर वो राइट हैंड साइड है तो अबव द प्लेन ग्रुप राइट हैंड साइड पर जाएगा। अच्छा, अब इसको आप मॉलिक्यूल को इससे भी देख सकते हैं, जो नॉर्मली हम विजुअलाइज करते हैं हमें वैसे भी देख सकते हैं। देखिए आपने क्या करा, ये
आपने तो स्टार्टिंग में तो दो कार्बन के लिए आपने इस तरह से बनाई दिया, ऊपर सी एच ओ नीचे ओ एच लिख दिया। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वेज डैश की तरफ से आपको विजुअलाइज करना है, यानी कि देखना है, यानी मॉलिक्यूल आप यहां से देख रहे हैं। तो सी एल की पोजिशन यानी जो अबव द प्लेन ग्रुप है उसकी पोजिशन क्या होगी, जो मेरे इस समय जो मेरे पेन की पोजिशन है यानी ये सी एल है, यानी ये जो बॉन्ड है वो सी एल को शो कर रहा है, ठीक है, इससे सी एल जुड़ा हुआ है। और आप मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हैं, जब हम इधर की साइड से देखेंगे तो सी एल आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसलिए हमने सी एल को लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और एच हमारा राइट हैंड साइड आएगा इसलिए एच को राइट हैंड साइड लिखा। अब इस वाले कार्बन पर आ जाइए, इस वाले कार्बन पर फिर से हमने पेन को ऐसे ही रखा, लेकिन अब की बार मॉलिक्यूल को हमें देखना कहाँ से है, अब की बार हम इसे यहाँ से देखेंगे जहाँ भी वेज डैश होता है। तो आपने ये पेन ऐसे ही रखा हुआ है बिल्कुल, आप इसको इधर की साइड से देख रहे हैं, तो जब हम इधर की साइड से देखेंगे तो ये जो पेन रखा किसके लिए, बी आर के लिए, क्योंकि अबव द प्लेन हमारा कौन सा ग्रुप आ रहा है, वो बी आर आ रहा है, तो क्योंकि अब वो राइट हैंड साइड पर हमें दिखाई देगा यहां से देखने पर, इसलिए हमने बी आर को राइट हैंड साइड लिखा और एच को लेफ्ट हैंड साइड। तो चाहे तो आप ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप इसको विजुलाइज करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पहले सिंपल सौ हॉर्स में चेंज कीजिए और सौ हॉर्स को फिर आप इसमें फिशर प्रोजेक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चेंज करना सीख सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वो तरीका यहाँ पर अपना सकते हैं। अब फिशर से अगर वेज बनाना है तो फिशर से वेज बनाना बिल्कुल वैसे ही, आपने क्या करना है, जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमें प्लानर दिखानी होती है, तो आप इसको चाहे इधर की साइड बना लीजिए और चाहे आप इधर की साइड बना लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, बस ऊपर सी एस थ्री नीचे सी ओ एच, तो हमने ऊपर सी एस थ्री और नीचे सी ओ एच लिखा। अब यहां पर क्या कर रखा है, क्योंकि हमने जो प्लानर वी है शुरू में जब हम स्टार्टिंग में माने हमने ऐसे बनाया, ये सी एच थ्री और ये सी ओ एच, तो हमने किधर की साइड बना दिया, हमने बनाया इधर की साइड यानी अपने राइट हैंड साइड बनाया। तो जब हमने राइट हैंड साइड बनाया तो जो अबव द प्लेन ग्रुप है, जो राइट हैंड साइड वाला यहां पर ग्रुप है उसे हम अबव द प्लेन दिखाएंगे, तो हमने उसे ये अबव द प्लेन दिखा दिया और इसे हमने बिलो द प्लेन, वही ट्रिक है जो हमने पिछली बार अपनाई थी, उसी ट्रिक पे काम करना है हमने, कि ये हमने जो प्लानर भी था वो हमने राइट हैंड साइड बनाया, तो इसीलिए जो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है उसे हम अबव द प्लेन दिखाएंगे। अब अगर इसी वी को मैं लेफ्ट हैंड साइड बनाती तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रुप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमें अबव द प्लेन दिखाना है, तो हमने इस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए हमने एच को लेफ्ट हैंड साइड अबव द प्लेन दिखा दिया और बिलो द प्लेन हमारा ओ एच हो गया। तो ये आप किसी तरह से भी कैविटी के ऊपर, मतलब जो ये प्लानर वी है इसके ऊपर ही हमारा डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह से इस एच और ओ एच को देख सकते हैं। और अगर आप इसी मॉलिक्यूल को फिर से चेक करना है आपने सही बनाया है नहीं बनाया है, तो वही आप यहां से इसको विजुअलाइज कीजिए, OH जो अबव द प्लेन है उसकी पोजीशन बिल्कुल पेन वाली पोजीशन हो जाएगी और वो आपके राइट हैंड साइड पर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बना हुआ है। और अगर यहाँ पर आप मॉलिक्यूल को विजुलाइज करेंगे तो अब की बार मॉलिक्यूल को आप यहाँ से देखेंगे और जो अबव द प्लेन यानी जो H है उसकी पोजिशन ये रहेगी जो मेरे पेन की पोजिशन है, तो यहाँ से देखने पर H आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आएगा, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आएगा इसलिए आपने एच को लेफ्ट हैंड साइड बनाया और ओ एच को राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें इंटर कन्वर्जन जितने भी थे हमारे आज यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप कि काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।